देखो अभी पापा के पास आके डिस्टर्ब कर रही है। फ्रेंड लोग पूछ रहे थे कहाँ घूम रही थी। हाँ कहाँ घूम रही थी। हट अपने पापा के पास आके सोई है। ये हम बेटी के दांत देख रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखो ये दो तीन दांत निकले हैं। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स मेरी बेटी सो के उठ रही है। देखो नहीं फिर से लुढ़क गई। नहा धो के सोई है। मैं इसको नहला दी थी। 9 बजे हम लोग नहा धो के फ्रेश हो गए थे और मैं खाना भी खा ली। और बेटी के तो दांत निकल रहे हैं इसलिए पैचेस बहुत दिन से शुरू है और बीच में रुक जाती है फिर से चालू हो जाता है। तो और मैं तो ठीक हो गई हूँ फ्रेंड्स। आप लोगों की दुआ मेरे साथ था तो मैं कैसे ठीक नहीं होती आप लोग बताइए। क्योंकि आप जैसे लोग फैमिली मेरे साथ हैं तो मेरे को इस बात की कमी। तो फ्रेंड्स मेरे और मैं चुपके चुपके इसलिए थोड़ी धीरे स्लो बात कर रही क्योंकि बेटी सो रही है। नहा धो के सोई क्योंकि दिन में 2 से 3 बार सोती है मेरी बेटी। तो वही अभी उठने की इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि अभी और बहुत सारा कपड़े धुलने को हो गया था फ्रेंड्स क्योंकि कंबल वगैरह सब कुछ बेटी बर्बाद कर दे रहे। और मैं डाइपर तो पहनाती हूँ लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना डाइपर पहनाओ फिर जैसे फ्रेश कराओ और थोड़ी देर बाद फिर से ऐसे गंदा कर दे रहे। इसलिए सारे कपड़े को धुलना पड़ा। इसलिए हम लोग जल्दी सुबह नहा लिए थे। नहा धो के मैं खाना ना खा के ऐसे बैठी हूँ और बेटी के पापा पता नहीं कहाँ गए। हमको खुदा ही नहीं पता है। कोई उनके आए थे कंपनी के हैं उन लोगों के साथ गए हैं। पता नहीं पार्टी शार्टी में तो नहीं मिल गए मेरे को ये नहीं पता। और अभी कम से कम ने तो 1-1.5 घंटा होने लगे हैं गए अभी तक आए नहीं। और फ्रेंड्स आप लोगों को यानी कि पता नहीं आप लोग गैस किए होंगे हमारी बेटी हम लोगों से थोड़ी फ्रेश है और हम लोग दो बेटी के पापा एंड मैं दोनों हम लोग सांवले। मतलब ये कभी कभी तो कैमरा में थोड़ी फ्रेश मतलब थोड़ा सा ग्लोइंग आता ही है बट हम लोग सामने से भी ऐसे रियल देखोगे ना तो हम लोग काले ही हैं। और ये तो सब प्राकृतिक का देन है फ्रेंड्स। और रही बात दुनिया भर की ये क्रीम ये लगाने से वो लगाने से अगर यही इंसान अगर करे तो दुनिया सारे लोग ना गोरे हो जाएं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी लगाने से कोई गोरे नहीं हो जाता। देखो कौवे को कितना भी इंसान क्रीम लगा दे लेकिन कौवा काला ही होता है। तो ऐसा ही है। तो ये तो प्रकृति का देन है। और कोई इंसान अपने आप से ऐसा नहीं होता है। तो और रही बात काले गोरे को भेद क्या करना फ्रेंड्स। इंसान के टैलेंट ज़रूरी होता है कि उसके अंदर क्या टैलेंट है। और काले गोरे तो हमारी प्रकृति के एक निशानी है जो माँ ने एक धरोहर के रूप में हमको भेजा। इसलिए ये सब मायने नहीं रखता इंसान के अंदर क्या टैलेंट है उसके वो क्या क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। तो उसकी जो उसके अंदर जो ज्ञान भरा है मतलब मैं नहीं करती कि मेरे ऊपर ज्ञान है मतलब हर कोई व्यक्ति के अंदर तो उसके चाल व्यवहार रीति रिवाज ढंग ये मायने रखता है। तो ये सब जायज
और फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइए कमेंट में। और फ्रेंड्स ये मेरा सेकंड चैनल है और वो चैनल किसी कारणवश वो तो अभी बंद है, उसमें हम लोग काम नहीं करते हैं, फिर देखते हैं कब काम उसमें चालू करेंगे तो हम ज़रूर उसमें उसको बताएंगे। और आप लोग हमारी वीडियो को प्यार दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों के प्यार की बदौलत हम प्यार दोगे तभी सब कुछ हो पाएगा, वरना आपके बिना प्यार के कुछ नहीं हो सकता फ्रेंड्स। और आप लोग ही हैं जो हमारे मतलब फीलिंग्स भावनाओं को समझते हैं। तो हम लोग बेटी उठ जाए इसके बाद मिलते हैं, आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये कहाँ घूम रही है, आज पूरा दिन बाहर घूमी है फ्रेंड्स, ये देखिए पूरा दिन बाहर घूमी है वो बच्चों के साथ। मैं बाहर ही रही, मैं मेरे को नींद आ गया था, मैं सो गई थी। हाँ बेटा फ्रेंड लोग पूछ रहे थे क्या कर रही थी आज, सुबह से नहीं देखे थे, सुबह भी सो के नहीं उठी थी जल्दी। देखिए फ्रेंड्स ये इसकी मस्ती देखिए, ये खड़ी हो गई। इतनी मजा आता है ना इन, पूछो मत। बेटी ओ बेटी क्या कर रही बच्चू, पढ़ाई कर रही? हाँ तो अभी खेलने में लगी है फ्रेंड्स। और देखिए ये आके सोए हैं, मैं वो करके दिखाती हूँ, आके सोए हैं कितने बजे, 2 बजे, 2 बजे आके सोए हैं और खाना नहीं खाए फ्रेंड्स, जहाँ गए थे वहीं खाए हैं। बेटी आए। 2 बजे आए हैं रूम पे, वो कहाँ गए थे पार्टी सार्टी में वहीं थे। इसके बाद मैं बेटी को खिलाते खिलाते खुद भी सो गए, मैं तो सो ही थी और खुद भी सो गए और अभी तक सोए हैं, पता नहीं कितना टाइम उठे तो हमें नहीं पता। लेकिन ये है कि हम लोग कभी लड़ाई लड़ाई इतना नहीं करते, कभी बाई चांस ऐसे नोक झोंक हो जाता है, बाकी ऐसा नहीं होता है। बहुत अच्छा बहुत ज़ोर से लड़ाई उस तरह नहीं होता फ्रेंड्स। और मेरी बेटी तो अभी खेलने में लगी, दिन भर आज देखने को नहीं मिला था आप लोगों को, तो मैं कोई वीडियो में लाई क्योंकि सोई थी वहाँ से आके, और सोई इसके बाद सो के उठ के अभी खेलने में लगी है फ्रेंड्स। अगर ये बेटी के जो हंसी है ना वो आप लोगों को कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। देखिए हाँ ये नया खेल है बेटी को फ्रेंड्स। हाँ 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 तो ऐसे खेलती रहती है अकेले, क्योंकि जो बेटी की और पड़ोसों के बच्चे जो है ना फ्रेंड्स बहुत गंदे रहते हैं कई लोग, तो ज़्यादा नहीं भेजती और गंदे में खेलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है इस वजह से। तो इस और अपने फ्रेंड ढूंढती है फ्रेंड्स, जैसे बच्चे चिल्लाते हैं तो देखती है कि मैं भी जाऊं ऐसा करके, है ना बच्चा? हाँ ये देखो देखते रहते, आ जाओ इधर आ, इधर आओ जल्दी जल्दी आ, वो पढ़ने लिखने में ही रहेगी। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए अपने वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। यदि आप लोग मेरे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आपके दिल के ऊपर है। बट अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अपने वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ा तो मैं एंड कर रही हूँ, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नए सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय जय भारत फ्रेंड्स।